आजादी अमृत महोत्सव प्रसंगे भारत सरकार रमतगमत युवा बाबतों मंत्रालय सहयोग ऑल इंडिया मोटर बाइक एक्सिपीडिशन 2022 द्वारा योजायेली फ्रीडम मोटो राइड बाइक रेली आयोजन कर गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रते गांधीनगर थी प्रस्थान करव्यूत। आ रेली में जोड़ेला 75 मोटरसाइकल सवार भारत भ्रमण दरमियान 75 दिवस में 18,000 किलोमीटर थी वधुनु अंतर कापशे। केन्द्रना गृहमंत्री अमित शाहे 9 सप्टेम्बर रोज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खाते आ बाइक रेली ने प्रस्थान करव्यूत। आ बाइक रेली तारीख 17 नवम्बर रोज गुजरात पहुंची थी और गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तेमज साबरमती आश्रम जेवा स्थळों की मुलाकात लीधा बाद आ बाइक रेली हवे गुजरात थी मध्य प्रदेश तरफ जवा माटे रवाना थई हती। फांसी की बेड़ियों को चूमने में गौरव समझा लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं किया, ऐसे सभी क्रांतिकारी वीरों को आज संपूर्ण देश आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्मरण भी करता है और उनसे प्रेरणा भी ले रहा है। आप सब उसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकले हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का जो मिशन इस देश को दिया वो भी एक नई चेतना के साथ आप युवा पीढ़ी और लोगों में फैलाने का काम कर रहे हैं। हम सब के लिए गौरव की बात है कि भारत देश इस समय एक विशेष अंगड़ाई लेकर अपने अतीत के गौरव को हृदय में स्थापित करते हुए चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और तेजी से भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई गुना तेजी से पिछले 8 साल में जो विकास हुआ, प्रगति हुई, नई चेतना आई, भारत का गौरव सारी दुनिया में स्थापित हुआ और भारत का आंतरिक बाहरी सम्मान जो बढ़ा है, इसके लिए युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान होता है जिन्होंने हर परिस्थिति और मौसम को देखते हुए अपनी यात्रा को निर्बाध गति से आगे बढ़ाया है। इस पूरी यात्रा के लिए मैं भी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने निर्धारित समय पर दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपने लक्ष्य से योग दिया, उन सब को भी मैं साधुवाद बधाई देते हुए इस यात्रा के उद्देश्यों की पूर्ति की मंगल कामना करते हुए पुनः आपको बधाई, धन्यवाद। मैंने गुजरात ने यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करी, क्लिक करो बेल आइकन अने मेळवो विश्वभरना न्यूज अपडेट।